हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मल्टीबैगर वर्ल्ड। तो यहाँ आज मैं आपको एक जो मल्टीबैगर स्टॉक मैंने आपको दिया था सकुमा एक्सपोर्ट, मैंने आपको येस बैंक, बंधन बैंक भी एक एक मल्टीबैगर स्टॉक बताया, बट उसमें न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, वो न्यूज़ की वजह से चल नहीं पा रहे हैं वो स्टॉक। बट जो थर्ड स्टॉक जो मैंने आपको दिया था सकुमा एक्सपोर्ट, जिस पर मैंने आपको बहुत ज़्यादा बुलिश रहने के लिए बोला था, और बार बार हर वीडियो में जो इंट्राडे कॉल्स भी मैं देता हूँ तब भी मैं आपको बोलता हूँ सकुमा एक्सपोर्ट सकुमा एक्सपोर्ट। मोस्टली वीडियो में मैंने आपको सकुमा एक्सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है, और इस वीडियो को भी देखने को बोला है जो मैंने इसका मल्टीबैगर स्टॉक का वीडियो बनाया था, जो जिसको अभी 2 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसमें मोमेंट आ चुका है, क्या क्या न्यूज़ आई हैं, और ये स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है एक बार। और यहाँ पर एक कमेंट भी आया है कि किसी को लगा है कि इसमें बहुत ज़्यादा लॉस गया है, 250 रुपये से भी नीचे आ गया है ये, और वहाँ से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्प्लिट हुआ है, पूरी चीज़ मैं आपको इस अपडेशन में बताऊंगा, अपडेशन वाला वीडियो ये मैं बना रहा हूँ सकुमा का पहली बार। और मैं इंट्राडे कॉल्स वाले वीडियोस में कई बार आपको बोल चुका हूँ कि सकुमा एक्सपोर्ट में आप इन्वेस्ट कीजिए। और यहाँ पे मैंने 6 दिसंबर के दिन भी मैंने आपको सकुमा एक्सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था बहुत ही स्ट्रांगली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, और अभी क्या करंट प्राइस चल रहा है, किस तरह का मूवमेंट रहा है इस स्टॉक में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही मल्टीप्लेयर स्टॉक आपको मिलते रहें और आप यहाँ पर प्रॉफिट कमाते रहें। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये वो वीडियो है जो मैंने आपको अपलोड किया था, और जब मैंने इस डेट देख लेते हम कब इस वीडियो को मैंने अपलोड किया था, 29 सितंबर को मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था। और यहाँ आप देखेंगे तो जब मैंने इस स्टॉक को आपको रिकमेंड किया था तब इसका प्राइस 219.10 पर था, और मैंने आपको यहाँ पर पूरा फंडामेंटल भी अच्छी तरह समझा दिया था कि ये स्टॉक जो है एक मल्टीबैगर स्टॉक क्यों है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है, एग्री प्रोडक्ट्स को ये एक्सपोर्ट करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और कोशिश करने में लगी हुई है कि एशिया की और फिर उसके बाद वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बने एग्री एक्सपोर्ट करने में। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाती है, और जब मैंने आपको ये प्राइस दिया था 219.10 से, उसके बाद ये 250 के भी अबव चला गया था, करीब 270 के आसपास ये जा चुका है, ये जब मैंने आपको रिकमेंड किया था उसके बाद ये प्राइस गया था, और फिर वहाँ से स्प्लिट किया गया है। यहाँ पर आप जाएंगे nseindia.com की साइट पर, तो जब आप यहाँ पर इसको सर्च करेंगे, मैं आपको पूरा करके ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं सकुमा डालता हूँ तो यहाँ पर देखिए सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड आया, और यहाँ पर आपको इस तरह से जाना है, और जब ये प्राइस खुलकर आ जाता है तो यहाँ पर आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो, कंपनी इन्फॉर्मेशन पर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक को स्प्लिट कब किया गया, 12 नवंबर को इसको 10, इसकी जो फेस वैल्यू है उसको 10 से 1 रुपीज़ कर दिया गया है, और यहाँ पर 1 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया गया था 15 सितंबर के दिन, क्योंकि ये मीटिंग हुई थी इनकी डिविडेंड की, यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं 1 रुपये पर शेयर भी दे चुके हैं ये। तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा ये कंपनी कितनी शानदार तरह से मूवमेंट दिया है। और मैं आपको चीज़ बता दूं कि ये जब स्प्लिट किया गया है स्टॉक, इस स्टॉक को जब स्प्लिट किया गया है तो इस स्टॉक को जब स्प्लिट किया गया था, तो यहाँ पर देखिए मनी कंट्रोल की साइट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 32.30 पर इसने क्लोजिंग दी है, बट इसने जो हाई बनाया है वो 34.20 का हाई बनाया है 7 दिसंबर के दिन। तो यहाँ पर जब स्प्लिट किया गया था तो 24 रुपीज़ पर इसको ला दिया गया था, 24 से इसने 2 दिन के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़त दी थी, फिर वहाँ से जब डाउन आया तब मैंने भी इसमें 24 रुपीज़ से काफ़ी, क्योंकि वहाँ से डाउन आया था तो 24 रुपीज़ के आसपास मुझे ये स्टॉक फिर से मिल गया था, तब मैंने भी इस स्टॉक में एंट्री ली थी, बट मैंने अभी 7 दिसंबर के दिन मैंने भी इसमें एग्जिट किया है एक रिवर्सल आने की वजह से। अगर मुझे ये स्टॉक दोबारा फिर और कम रेट में मिल जाता है तो फिर उससे मैं इसमें एक बड़ी क्वांटिटी इसमें फिर से बाय करना चाहता हूँ। तो गाइज, जो अपडेशन मैंने को देनी थी यहाँ पर वो मैंने दी है आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये स्टॉक के प्राइस इतना डाउन नहीं गया है, बल्कि इस स्टॉक का प्राइस स्प्लिट किया गया है 10 गुना। 10 गुने का मतलब अगर आपके पास
100 शेयर हैं तो अब वो 1000 शेयर बन चुके होंगे, बट वहाँ पर आपको लॉस नहीं, यहाँ पर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में ही चल रहे हो। क्योंकि जब कैश मार्केट प्राइस में मैंने आपको जब ये स्प्लिट होने से पहले ये स्टॉक दिया था, तब ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था, और वहाँ से भी स्प्लिट होकर ये 24 रुपये से इतना ज़्यादा ऊपर आ चुका है 10 दिन के, सॉरी अभी 16 दिन के अंदर ये काफ़ी ऊपर आ चुका है, 25 रुपये से सीधे 34 रुपये तक आ चुका है, काफ़ी अच्छा ये रिटर्न दे रहा है। तो सभी से उम्मीद करूंगा कि सभी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा जिसने भी मेरी रिकमेंडेशन पर इसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो यहाँ पर अगर आपको एक और मल्टीबैगर स्टॉक्स लेना है तो आप मुझसे कॉन्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आप व्हाट्सअप या मुझसे कॉल कर कर भी बात कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं आपको स्टॉक एक और मैंने जो स्टडी किया है तो वो आप मुझसे परचेज कर सकते हो, आप पूछेंगे नहीं, आप मुझसे परचेज कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ परचेज करने पर कि वो स्टॉक कौन सा है जिसमें आपको एंट्री लेने पर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि एक और मल्टीबैगर स्टॉक है, ये तो मल्टीबैगर स्टॉक है ही, बट इसमें अभी उतार चढ़ाव रहेगा, बट वो स्टॉक जो मैंने अभी स्टडी किया है वो भी मल्टीबैगर स्टॉक है, वो आपको इससे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि अभी उसमें कुछ न्यूज़ हैं जो अभी मार्केट में शायद आपको सुनने को नहीं मिली होंगी, बट अभी उसमें बहुत सी डील्स होने वाली हैं, तो वहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको अपडेशन दे चुका हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो मेरे अपडेशन का तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर पाएँ। बट अभी मुझको थोड़ा सा डाउट है कि अभी एक दिन और देखूंगा मैं, थोड़ा वेट कर रहा हूँ मैं कि ये स्टॉक और सस्ते दामों पर मुझे यहाँ पर मिल जाए ताकि मैं फिर से इस स्टॉक में एंट्री कर पाऊँ, या फिर ये स्टॉक अगर उसकी तरफ के लेवल भी ब्रेक करता है तो वहाँ पर मुझे एंट्री लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर वहाँ से वो और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये 10 गुना रिटर्न आपको 4 से 5 सालों में 10 गुना रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। बट बीच में अपडेशन बहुत ही ज़रूरी होती है, ज़रूरी नहीं है कि फंडामेंटल्स कभी भी किसी कंपनी के अगर चेंज हुए तो वहाँ पे अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, ताकि अगर मैं कभी भी आपने इन्वेस्ट किया है इसमें और मैं कभी भी इसमें अपडेशन देता हूँ, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस आते हैं कंपनी में तो वहाँ से हमें निकलना पड़ता है, जितना भी हमको प्रॉफिट मिल रहा है वही प्रॉफिट लेकर हमको इस स्टॉक में से निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उसको होल्ड करके रखेंगे और बीच में अगर कुछ न्यूज़ आती रही हैं ऐसी, तो फिर वहाँ से भी प्राइस हमको डाउन आता हुआ देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो फिर प्रॉफिट सारा का सारा आप मिस कर जाएंगे। तो वहाँ पर अपडेशन बहुत ही ज़रूरी होती है, जब भी मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वहाँ उस कंपनी से मैं बहुत ज़्यादा अपडेट रहना की कोशिश करता रहता हूँ कि वहाँ पर मैं अपडेट रहूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। जहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए तो वहाँ पर मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। तो गाइज़ अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।